अटैक से कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कई लोग अभी भी इस चीज से सफर कर रहे हैं, और न जाने किन लोगों को कब और कहाँ हार्ट अटैक आ जाए। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक किन लोगों को होने का जो रिस्क होता है, खतरा ज़्यादा होता है, जहाँ वो उस चीज़ को ठीक कर सके और कुछ हद तक अपने को, खुद की जान हार्ट अटैक से वो बचा सकते हैं। अब बात करते हैं हार्ट अटैक को किन वजहों से जो है साइंटिफिकली या टेक्निकली यदि हम बात करें, किन लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा है या किन लोगों को जो है रिस्क है हार्ट अटैक बनने का। तो यदि व्यक्तिगत तौर में यदि हम बात करते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को देखिए। फैमिली बैकग्राउंड में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जैसे आपकी मम्मी पापा है, या मैटरनल जो आपकी मौसी है या आपके मामा है, या पैटरनल हम बात करते हैं पिता की तरफ से जो चाचा है या बुआ है, ये भी लोग इनमें जुड़े हैं। यदि इनकी हिस्ट्री में हार्ट अटैक है और हार्ट डिसीज बने हैं, तो ये आपके भी ऊपर खतरा मंडरा सकता है। मतलब इससे भी आपको जो है 50% चांसेस होते हैं कि आपको फ्यूचर में हार्ट डिसीज बन सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरी, यदि उम्र की यदि हम बात करते हैं, एज की यदि हम बात करते हैं, यदि आप 30 से 55 के बीच में हैं, तो ये हाईली रिक्स जो है एज है। इस एज में, इस एज के ग्रुप में जो भी लोग हैं, इन्होंने अपना खुद से अच्छा ख्याल रखना है, अपना जो भी वो लाइफस्टाइल अपना रहे उसे थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन बिटवीन 30 to 55 के बीच की जो एज ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने अपना खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये एज ग्रुप जो है रिस्क में आते हैं हार्ट अटैक की। दूसरा, यदि आप जो है मेल है, मतलब महिलाओं की तुलना में आप देखिएगा, पुरुषों को जो है हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। यदि आप पुरुष हैं तो आप जिम्मेदार हो जाइए, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होता है महिलाओं की तुलना में, ये पुरुषों को जो है ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये सभी को पता है, जितने भी लोग ओवरवेट होते हैं, ओवेज होते हैं, जरूरत से ज़्यादा उनका मोटापा होता है, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा जो है डिसीज होने का, मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस उनमें काफ़ी हायर हो जाते हैं। यदि जरूरत से ज़्यादा आप मोटे हैं, मोटापा है, आपका विसरल फैट बढ़ा है, फैट के परसेंटेज आपकी बॉडी में ज़्यादा है, मसल्स आपके कम है और फैट परसेंटेज बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी जो है खतरा बना है आपको कि हार्ट अटैक आ सकता है। सेकेंडली, यदि आप इस तरह के माहौल में काम करते हैं जहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेस बना रहता है, अंडर प्रेशर आपका वर्क है, तो डेफिनेटली ये भी लिंक करता है, हार्ट डिसीज बनने का खतरा आपको बहुत ज़्यादा बना रहेगा। आप हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं या स्ट्रेस आप पे जो है हावी होता रहता है, मेंटल प्रेशर जो है बना रहता है, तो ये भी जो है लिंक करता है हार्ट अटैक लाने के लिए। दूसरी कैटेगरी है बिहेवियरल, यानी कि आपकी आदतों से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हम सबको पता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग करना, ये दोनों भी लिंक करते हैं, हार्ट अटैक लाने का खतरा बना रहता है। यदि आप रेगुलरली, वो भी हायर डोजेस में यदि आप अल्कोहल लेते हैं, और ज़्यादा मात्रा में यदि आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसका ओवर जो है यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है इसका खतरा बना है, आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। सेकेंडली, आप इस तरह का खान पान रखते हैं, जैसे कि मेजरली आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है जरूर से, और जो वेजिटेबल्स है उसकी मात्रा कम हो, या साथ में प्रोसीड खाना, जिसमें कि प्रोसीड रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है, या रिफाइंड चीज़ें जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, या सूजी है, या मैदा है, इस तरह से बना जो खाना आप लगातार इसका सेवन करते हैं, और उसके बाद में कल्प्रिट है शुगर, जो भी शुगरी फूड या शुगरी ड्रिंक लेते हैं आप, शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये चीज़ें क्या करते हैं, जो इंटरनली जो है डैमेज करना चालू कर देते हैं। जितने भी हम ज़्यादा शक्कर का यूज़ यदि हम करते हैं, शक्कर आपको जो है डायबिटीज़ बना सकता है, शक्कर आपको जो है ये बना सकता है, हार्ट अटैक बना सकता है। किस तरह से, क्योंकि ये जो होता है इन्फ्लामेशन बनाता है, आप यदि मीठा ज़्यादा खाते या शक्कर यदि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ये शरीर के अंदरूनी जो है इन्फ्लामेशन का एक कारण होता है, और आपको पता ही है इन्फ्लामेशन, मेरा एक बड़ा सा वीडियो पड़ा है कोलेस्ट्रॉल पे, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको हार्ट डिसीज बन सकते हैं शुगर खाने से या मीठी चीज़ें खाने से, किस तरह से सेल्स में अंदर डैमेज होता है और अंदरूनी इन्फ्लामेशन जैसे कि मानो हमें कहीं चींटी काटी है, तो वहाँ पे जिस तरह से स्वेलिंग आती है, सेम इंटरनली जो है स्वेलिंग बनना,
सेल्स डैमेज होने के बाद में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यदि हम कोई बड़े बड़े जो बीमारी होती है, कैंसर को पकड़ लीजिए, डायबिटीज़ को पकड़ लीजिए, हार्ट अटैक को भी आप पकड़ लीजिए, तो इन्फ्लामेशन जो होता है प्राइमरी स्टेप होती है डिसीज बनने का। तो आप इस तरह का खाना यदि आप खाते हैं, और नेक्स्ट आप जो है बहुत ही ज़्यादा आपका फिज़िकल जो मूवमेंट है, मतलब आप चलते फिरते बहुत कम है, बहुत ही लिटल आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपका जो रूटीन ऐसा है, आपका शेड्यूल इस तरह का है कि आप जो है पर्सनल आपका कोई भी किसी भी प्रकार का वर्कआउट आपके जो है लाइफस्टाइल में नहीं आपने इंक्लूड किया है, या आपकी बॉडी ज़्यादा मूवेबल आप नहीं करते हैं, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर होता है जिससे कि आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बन सकता है। इसीलिए जो है आपको हमेशा ऐसा खाना खाइए जो ताज़ा बना हो और जिसमें कि सारी जो चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, प्रोटीन उसमें बैलेंस में होना चाहिए, सब्जियां उसमें अच्छे से इंक्लूडेड होना चाहिए, और रोटी जो है यदि आप बैठे तरीके का काम करते हैं तो आपको खाना कम नहीं करना है, हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसे आपको मैनेज करना है। रोटी यदि आप बैठे तरीके का काम करते हो, 6 और 7 रोटी एक टाइम में आप खाते हैं, तो आपको ये चीज़ों को बैलेंस करना है। और जो आप बाहर का प्रोसेस्ड पैक ये वीकली जो मंथली आप खाते हैं एक हद बार, तो उसका कोई नुकसान नहीं। आप ओवर कंजप्शन करते हैं इन चीज़ों को, ज़्यादा प्राइमराइज करते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। मोस्टली आप अपने सेल्स को डैमेज करते हैं इन चीज़ों का सेवन करके। तो आप पहला जो था पर्सनल व्यक्तिगत था, दूसरा है आपकी आदतों की वजह से, आप स्मोकर हैं या बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तीसरा आप इस तरह का खान पान रखते हैं जो हाईली प्रोसेस्ड हो, शुगर उसमें ज़्यादा होती है, या सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट मीन्स फैट तो वैसे बुरा है, लेकिन सबसे भयानक डेंजरस होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है वो समझने के लिए हम सिंपल आप माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लीजिएगा। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर में जमा होता है, जैसे डालडा होता है या हम घी भी कह सकते हैं। सैचुरेटेड फैट की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है जो रूम टेम्परेचर में, जैसा अभी हम यहाँ रहते हैं या जो इन्वायरमेंट है, नॉर्मल वेदर है, उसमें वो जमा रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसे हीट देते हैं तो वो ऑयल फॉर्म में बन जाता है। तो इस तरह का जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हाईली डेंजरस होता है, और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो यही होता है, सैचुरेटेड फैट ही होता है। तो पूरी जो ICMR की गाइडलाइंस है, पूरी कार्डियो जो यूनिवर्सिटी है, कार्डियोलॉजी की जो सोसाइटी, उनका भी यही रिकमेंडेशन है कि लेस दैन 7% टोटल हमें कितना ऑयल खाना है, हमें जो है टोटल जो पूरे दिन भर में यदि हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो 27 या 20 ग्राम के नीचे हमारा जो है पूरे दिन भर का ऑयल इंटेक होना चाहिए, उसमें भी लेस देन 7% जो है सैचुरेटेड फैट का इंटेक होना चाहिए, मतलब कि बहुत कम मात्रा जो है इस सैचुरेटेड फैट की हमारे खाने में होने चाहिए, ये हाईली डेंजरस होता है, ठीक है। और दूसरा, जितना भी आपको जब भी आपको मौका मिलता है आप खुद को जो है मूवेबल रखिए। आप भले ही वर्क प्लेस में हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बैठे तरीके का काम करना है, लेकिन उन इन बिटवीन आप थोड़ा सा ब्रेक लेते रहिए, और जहाँ जिस चेयर में बैठे हैं वही आप हल्का सा अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, अंदर लेना मतलब सांस अंदर ले सकते हैं, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये लार्ज इम्पैक्ट करती है, तो ये भी अपने जो है रेगुलर रूटीन में आप रख सकते हैं। तो ये पहला है कि व्यक्तिगत तौर में, दूसरा है कि आपकी आदतों, जो मैंने अभी बताया कि इन आदतों की वजह से जो है आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब थर्ड जो होती है वो है मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिज्म, चाय पचन से रिलेटेड जो है हार्ट अटैक किस तरह से आ सकता है, वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उन्होंने सारी चीज़ों को यदि कंट्रोल में रखते हैं, जैसे शुगर लेवल कंट्रोल में है, आपका ब्लड प्रेशर यदि कंट्रोल में है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आप ये 7 के ऊपर में आपका एजुबेंसी आ रहा है, हमेशा आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है, या मेरे ख्याल से जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको स्टार्टिंग से 10 साल के बाद में हाँ अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो चेक करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड उनको टेस्ट करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
10 साल के बाद में जो शुगर की वजह से बॉडी में जो डैमेज होता है उसी की वजह से आपको हार्ट अटैक आने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। तो याद रखें, यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, यदि आप हाइपर टेंशन के पेशेंट, यानी कि ब्लड प्रेशर लेवल आपका बढ़ा हुआ होता है, तो इनको कंट्रोल में रखने के साथ साथ ब्लड प्रेशर की अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच आप बीच बीच में ज़रूर कराइए, या कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ खाना, जो तेल से भरा हुआ खाना, जितना हो सके आप उनसे दूरी बना लिए। लिपिड प्रोफाइल की यदि हम बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की यदि हम बात करते हैं, यदि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, या आपका जो LDL है, VLDL है, ये लेवल बड़ी होती हैं, और HDL जो कि अकेला एक काफ़ी होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की यदि हम लेवल देखते हैं, हम जो है मार्कर देखते हैं, तो आप जो है सबसे पहले HDL की लेवल देखिए। HDL जो होता है, गुड फैट होता है, अकेला एक सिपाही की तरह काम करता है। यदि HDL की लेवल बड़ी है तो आप जो है LDL थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ वो भी कम हो सकता है, मतलब HDL को बढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप कम होता रहेगा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो अपने आप बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होना चालू हो जाता है। अब ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ता है? ज़्यादा रोटी खाने से, मतलब जो हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, या ज़रूरत से हम बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, उन लोगों का आप जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़रूर देखिएगा, ये हमेशा बढ़ा हुआ ही आएगा। यदि LDL की यदि हम बात करते हैं, तो LDL उन लोगों का बढ़ता है जो ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट और ऑयली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी सेम कैटेगरी में, जो कि नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज फूड का सेवन करते हैं, और साथ में जो है सैचुरेटेड फैट और ऑयल का इंटेक वो ज़्यादा करते हैं, बाहर का तला भुना जो है उन चीज़ों का सेवन वो ज़्यादा करते हैं, उनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब जो अकेला जो सिपाही होता है, HDL का यदि हम बात करें, HDL के लेवल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? गुड फैट, जो आपने सुना होगा, ऑलिव ऑयल खाइए या आलमंड्स और वॉलनट का इंटेक कीजिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जिसमें अच्छा फैट हम कहते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे हम बैलेंस डाइट की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें आपको प्रोटीन चाहिए, सैलेड चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, इन चीज़ों को जैसे हम बैलेंस डाइट हम कहते हैं, सेम उसी तरह जो है ऑयल भी जो है बैलेंस में होना चाहिए। मतलब लगातार हम एक ही तरह का ऑयल यदि हम यूज़ करते हैं खाने में, तो हमारे जो, जैसे आपको पता ही है प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से, तो हमारा ऑयल किससे बना है, इसेंशियल फैटी एसिड से। तो बॉडी में यदि जो कंपोजिशन, मतलब हम प्रोटीन का इंटेक इसलिए करते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड शरीर में बनते हैं बट कुछ नहीं बनते हैं, जो हम खाने के थ्रू लेते हैं और हमारी शरीर की ज़रूरत हम पूरी करते हैं। सिर्फ कुछ जो है फैट से भी रिलेटेड है, कुछ इसेंशियल फैटी एसिड, कुछ जो फैटी एसिड जो है शरीर में अपने आप बनते हैं, उन्हें नॉन इसेंशियल कहा जाता है, लेकिन कुछ की हमें ज़रूरत होती है लेकिन वो शरीर में नहीं बनते हैं, तो वो हमें खाने के थ्रू लेना चाहिए। तो वो जो होते हैं, आपने सुना ही होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, इस तरह का जो फैट होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, पूफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये कुछ हद तक हमें चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होता है। यदि हम इनका पूर्ति कर देते हैं शरीर में, तो HDL की लेवल अच्छी बनी रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा नहीं बढ़ता है। इसीलिए जो गुड फैट्स होते हैं वो अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। रोज़ाना से 2 बादाम आप ज़रूर इंटेक कर सकते हैं, जैसे आप 30 यदि है 30 के हैं, या आप 40 के हैं, तो अभी भी आपके पास में समय है, आप HDL के लेवल को बढ़ा के रखिए। रोज़ाना आप 2 बादाम खाने की आप शुरुआत कीजिए, या फिर ऐसा इस तरह का खाना लीजिए, इस तरह का ऑयल लीजिए, जिसमें कि आपको पूफा मूफा इनका इंटेक अच्छा मिले, ठीक है। और साथ में जो है आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो भी आपका HDL लेवल अपने आप बढ़ता है। यदि आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो याद रखिए आपका LDL लेवल बढ़ेगा। यदि आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जितना आप चलते फिरते रहते हैं, उतना जो सिपाही होता है कोलेस्ट्रॉल में, अच्छा गुड जो HDL है वो लेवल बढ़ेगी। इसीलिए जो फ्री में है और जो चीज़ें अपनी हाथ में हैं, जो चीज़ हमें डिपेंड करती हैं, वो चीज़ हम करने से बिल्कुल भी हम पीछे नहीं हटना चाहिए।
तो इस तरह का यदि आप चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि हमने देखा व्यक्तिगत तौर पे जो चीज़ें हैं नॉन मोडिफाइबल है, वो हमारे बस में नहीं है। फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया है, उसकी हिस्ट्री हम नहीं चेंज कर पाते हैं। यदि हम 40 के हैं तो हम उन चीज़ को नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम मेल हैं, हम पुरुष हैं, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जो पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर जो हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री के अनुसार हमें हार्ट अटैक का खतरा बनता है, तो उन चीज़ों को हम जो है चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बिहेवियरल है या फिर हमें डिसीज रिलेटेड है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिलेटेड है, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे बहुत कम उम्र में यदि आप शराब का सेवन करना चालू कर देते हैं, बहुत कम उम्र में जो है स्मोकिंग यदि आप करते हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। मीन्स आपको ये चीज़ों को बहुत जल्दी जो है क्लियर आउट करना है, बहुत जल्दी इसको जितना हो सके आप इस आदतों को आप छुड़ा लीजिए। या आप थोड़ा लेट है या फिर आप थोड़े कम मात्रा में आप लेते हैं अल्कोहल, तो दैट विल बी फाइन। मतलब यदि आप अल्कोहल लेने के इच्छुक है तो आप मात्रा को जो है अमाउंट को कम रखिए, अमाउंट ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। साथ में जो चीज़ें अच्छी है, जो आदतें अच्छी हैं जो आपको हेल्दी रखने के साथ साथ हार्ट अटैक से बचाएगी, उन आदतों को जो है शामिल कीजिए। रोज़ाना जो है 30 या 45 मिनट अपने बॉडी के लिए ज़रूर दीजिए और ऐसी वर्कआउट आप अपने जो है दिन भर के प्लान में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप कभी भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। आप इवनिंग में भी वर्कआउट कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट में कार्डियो बेहद अच्छा होता है जो आपके हार्ट को अच्छा बनता है। या वीकली 150 मिनट्स इनफ होते हैं, तो आप इस तरह से जो है मैनेज करके इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आप डायबिटिक है, यदि आपको जो है ब्लड प्रेशर बना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली चीज़ों को बैलेंस में रखिए। हाइपरटेंशन है, सोडियम का इंटेक कम रखना है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जो डायबिटीज बना है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है मैनेज करना सीखें। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रोटी या चावल इस तरह का कार्बोहाइड्रेट खाने से बचे। धीरे धीरे जो